कृष्णा, श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव नंदोत्सव वाले दिन हुआ, क्योंकि नंदोत्सव जब कृष्ण का जन्म हुआ तो रात्रि में योग माया के प्रभाव से सभी लोग सो रहे थे, सभी लोग, और जब सुबह होने वाली थी तब भगवान ने रोना शुरू किया और फिर यशोदा माता जग गई और फिर सभी लोगों को धीरे धीरे पता चला और फिर वहाँ पे त्यौहार का माहौल हो गया। पूरे ब्रजवासी लोग आके वहाँ पे नृत्य कर रहे थे, वहाँ पे नाच गा रहे थे, सभी लोग आके नंद महाराज और यशोदा माता को बधाई दे रहे थे। सभी जितना खुशी नंद और यशोदा को था उससे उतना ही खुशी सभी ब्रजवासियों को भी था। क्यों? क्योंकि उन्होंने व्रत किया था, ब्रजवासियों ने व्रत किया था कि हमारे राजा और रानी को कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है, इसलिए उनको उन्होंने सबने व्रत किया था। यह हमारा वैदिक सभ्यता का महत्व है कि सभी लोग एक दूसरे को खुश देखना चाहते हैं। सब लोग सोचते थे कि हमारे तो संतान है लेकिन हमारे राजा और रानी के संतान नहीं है, तो उनको भी होना चाहिए। तो ये नंद और यशोदा ने सबसे नहीं बोला कि आप हमारे लिए व्रत करो, लेकिन उन्होंने व्रत किया, है ना, उन्होंने व्रत किया। और आज देखा तो उनका जो पुत्र हुआ तो सभी लोग बहुत ही प्रसन्न थे, सब लोग वहाँ आके उत्सव मना रहे थे। और आप देखिए यहाँ पे कि उत्सव का वर्णन आता है कि सब लोग जो उनके पास सबसे बेस्ट ड्रेस था वो पहन के आए थे, बेस्ट ज्वेलरी, सब लोग नंद और यशोदा को बधाई दे रहे थे। नंद और यशोदा सबको अपना चैरिटी दान में, उन्होंने बहुत सारी गाय दान में दिया, ये सब चल रहा था, है ना। और फिर सारे ब्रजवासी एक दूसरे के ऊपर दही भर भर के डाल रहे थे, है ना। तो उस समय इतना ऑपुलेंस था कि लोग इस तरह से दही और मक्खन एक दूसरे के ऊपर डाल डाल के, बाल्टी भर भर के, वो एक दूसरे के ऊपर डाल डाल के जो है एक दूसरे से गले मिल रहे थे और एक दूसरे पर मक्खन और दही उड़ेल रहे थे, है ना। ये उनका इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो खुश थे, है ना। और वहाँ पे इतना दही और मक्खन हो गया कि नीचे कीचड़ हो गया था, दही और मक्खन का कीचड़ जमीन में, है ना। तो इस तरह से नंदोत्सव वहाँ पे मनाया जा रहा था। और फिर तो ये जो नंदोत्सव है, नंदोत्सव का महत्व ये है कि नंदोत्सव मनाने से सारे विश्व को पता चल गया कि कृष्ण का जन्म हो गया है, कृष्ण का आविर्भाव हो चुका है, प्राकट्य हो चुका है। कृष्ण के प्राकट्य का नंदोत्सव माने कृष्ण के प्राकट्य का सेलिब्रेशन, है ना, उसको मनाना, त्यौहार को मनाना। तो श्रील प्रभुपाद का प्राकट्य आज के दिन हुआ और श्रील प्रभुपाद ने ही पूरे विश्व में इस जन्माष्टमी को, नंदोत्सव क्या है, जन्माष्टमी को सेलिब्रेशन करना, जन्माष्टमी का महत्व नंदोत्सव से समझ में आ रहा है। अशील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में जा जा के नंदोत्सव और जन्माष्टमी का जो है प्रचार प्रसार करवा दिया ना, पूरे विश्व में जाके। तो श्रील प्रभुपाद के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम में ये तीन गुण बताए गए हैं प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में कि जो साधु व्यक्ति है, जो सेंटली पर्सनालिटी है, उसके तीन गुण होते हैं। पहला कि वो जेन्युइनली वो कंसर्न होते हैं दूसरों के प्रति, है ना। और दूसरा वो जेन्युइनली कंसर्न, दूसरा दे आर कन्विंस्ड, और तीसरा है कि वो कंपैशनेट। तो जो साधु है वो बहुत ही कंसर्न रहता है दूसरों के प्रति,
है ना, और वो मतलब वो दूसरों के दुख से दुखी है ना। संसार में जो लोग दुखी हैं, उनके जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसे हुए हैं, उनके दुख को देख के वो परेशान रहता है कि क्यों लोग इतना दुख भोग रहे हैं। ये है साधु की पहला लक्षण कि वो ये देखता है कि संसार के लोग दुखी हैं और संसार के लोगों के दुख को देख के वो खुद को दुखी फील करता है, उसको कष्ट होता है। पहला, अब सिर्फ दूसरों को दुखी देख के और उससे खुद दुखी होना अच्छा है, पर इतने से काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वालिटी बताई गई है कि उसको ये पता होता है कि इसके दुख को निवारण करने के लिए क्या उपाय है। ये साधु का दूसरा लक्षण है कि उसको पता है कि ये जो दुखी लोग हैं, इनको दुख से निकालने के लिए ये तरीका है भाई, है ना। तो वो तरीका जो है उसको पता है, और ना सिर्फ पता है, वो उसमें पूरा फर्म कन्विंस्ड है, वो उसमें पूरी तरीके से मतलब विश्वास है, उसको अडिग विश्वास है कि हाँ ये करने से ये दुख परेशानी दूर होंगी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बच जाएगा, ये उसको बिल्कुल विश्वास है, है ना। और तीसरा जो है वो है कि वो उसका हृदय बहुत ही दयालु है। कैसे, वो ना सिर्फ उसको वो दूसरों के प्रति, दूसरों के दुख से दुखी है और भला करना चाहता है, ये एक भाव है, और उसके बाद उसको पता भी है कैसे इनका भला करना है, कैसे इनको दुख से बाहर निकालना है। तो ये दो ही नहीं, वो अपने आप को अपनी जीवन के रिस्क पे, है ना, मतलब अपनी जान पे खेल के भी वो उसको बचाएगा। ये तीसरा है, इतना दया है उसके हृदय में साधु के कि वो अपने जान पे खेल के, मतलब बहुत कष्ट झेल के भी वो दूसरों को उस कष्ट से निकालना चाहता है, है ना। तो हम जो है ये तीन जो साधु के लक्षण बताए हैं भागवतम में, हम श्रील प्रभुपाद के जीवन में देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने देखा कि किस तरीके से लोग पाश्चात्य सभ्यता की वजह से पूरा जन्म मृत्यु जरा व्याधि में और फंसते चले जा रहे हैं, और भौतिक जगत में और फंसते चले जा रहे हैं, और नीचे का स्तर वो जो है जानवरों के जैसा जीवन और व्यतीत कर रहे हैं। तो उन्होंने इस भाव को, इस दुख को समझा कि सभी लोग दुखी हैं, और इसलिए उन्होंने ना सिर्फ वो इसको समझे, पर उनको प्रोसेस भी पता था, सॉल्यूशन भी पता था, क्या कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, संकीर्तन यज्ञ करके कलयुग के इस प्रभाव से, भौतिक जगत के इस दुखों से बाहर निकला जा सकता है। और उनको ना सिर्फ पता था, उनको इस बात पे पूरा विश्वास था, क्योंकि जब उनको विश्वास था तभी तो दूसरों को दिला पाया। अगर वो खुद भी इस पे उन्हें विश्वास नहीं होता तो दूसरों को कैसे इस पे विश्वास दिलाते। तो उनको बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग इस पे विश्वास था। और फिर सिर्फ यही दो चीज़ नहीं, तीसरा उनको इतना दया का भाव था कि वो 70 साल की उम्र में गए हैं अमेरिका कार्गो जहाज़ में बैठ के, मतलब रास्ते में जाते समय 2 बार हार्ट अटैक आया, और कैप्टन ने कहा कि हम आपको वापस भेज देते हैं, आप वापस चले जाइए, है ना। लेकिन उनका नहीं, अब तो बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि मेरे पास समय कम है और अब तो मुझे बहुत अर्जेंट है कि जाना है, है ना। तो वो इसको आराम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो वृंदावन में जब रहते थे अमेरिका जाने से पहले, तो वृंदावन में रहते अगर, तो जाहिर सी बात है वृंदावन में नॉर्मली सभी लोग साधु का सम्मान करते हैं, उनका देखभाल हो ही रहा था, अच्छा से उनको एक रूम दिया था राधा दामोदर मंदिर में, सब कुछ बढ़िया था, है ना। लेकिन वहीं से प्रचार कर लेते, लेकिन वो अपनी उस पर खेल के, अपना रिस्क लेके, जीवन का रिस्क लेके अमेरिका गए। उनको पता था वहाँ पे उनको ना कोई जानने वाला, ना भाषा, ना कोई पैसा भी नहीं, 40 रुपये उनके जेब में थे, वो भी इंडियन करेंसी वहाँ जाके चलती नहीं, तो पैसा भी नहीं, कुछ नहीं, फिर भी वो वहाँ गए, क्योंकि उनको इस बात का उनको ये कष्ट था कि लोग दुखी हैं और मुझे उनको उससे उनमें उसकी मदद करनी है, ठीक है। तो
ये जो है श्रील प्रभुपाद का तीसरा जो है लक्षण था। ठीक है, तो अब हमारा हम आज के जो ये दिन है प्रभुपाद का आविर्भाव दिन, इसमें हम इस बात को समझ सकते हैं और हम कुछ जो है एज ए ग्रेटिट्यूड है ना, मतलब श्रील प्रभुपाद के लिए क्या कर सकते हैं। भागवतम में पृथ्वी महाराज कुमार चार कुमार चतुष कुमार से बोलते हैं कि हम आपको क्या दे सकते हैं बदले में, जो आपने ये दिव्य ज्ञान हमें दिया हम उसके बदले में आपको क्या दे सकते हैं। ये तो वैसे ही हुआ जैसे लोग गंगा में जाते हैं और गंगा के पानी को ही गंगा में अर्पण करके गंगा की सेवा करते हैं, है ना। तो ये हम श्रील प्रभुपाद को क्या दे सकते हैं, तो छोटा सा हम अपना जो है ग्रेटफुलनेस को दिखाने के लिए हम जो है एक चीज़ कर सकते हैं कि इस जो मैसेज जो प्रभुपाद हमारे पास लाए हैं संकीर्तन यज्ञ का मैसेज, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मैसेज हमारे पास लाए हैं, हम इसको पहले तो अच्छे से प्रैक्टिस करें खुद अपने जीवन में। 16 माला करना, हरे कृष्ण महामंत्र का, चार नियम का पालन करना, पहले तो ये अच्छे से कर लें और इसके बाद हम इसको दूसरों को बताएं, हम इसको बताएं बाकी लोगों को बताएं, ताकि जो प्रभुपाद चाहते थे कि सब तरह के जीव सब तरह के लोग भौतिक जगत से बाहर निकलें वो पूरा हो सके, है ना। तो ये जो चीज़ है हम इसको कर सकते हैं। अच्छा, कभी कभी हमें सुनने में आता है कि लोग कहते हैं कि प्रभुपाद ने ये नहीं बताया, प्रभुपाद ने वो नहीं बताया। अभी किसी को ये लग सकता है कि भाई इधर जाके सुनना चाहिए, उधर जाके सुनना चाहिए, ये किताब पढ़ना चाहिए, वो किताब पढ़ना चाहिए, लेकिन ये समझने वाली बात ये है कि मुझे भक्ति में लगना चाहिए। ये फेथ मेरे हृदय में कौन ले दिया? श्रील प्रभुपाद ने। मैं भक्ति में जुड़ने से पहले क्या जीवन में कर रहा था, क्या क्या काम कर रहा था, उन सब को छोड़ना है और हरे कृष्ण महामंत्र को करना है, चार नियम को करना है, ये मेरे दिमाग में किसने डाला? श्रील प्रभुपाद की किताबों ने, श्रील प्रभुपाद ने। तो इस भक्त कौन बनाया? प्रभुपाद ने बनाया। फिर जाके हमें पता चला ना कि ये आचार्य हुए हैं, ये आचार्य हैं, ये भी कोई पुस्तक है, वो भी कोई पुस्तक है, ये भी कोई बाबा जी हैं या ये भी कोई संत हैं, ये सब हमें बाद में पता चला। नहीं, अगर हमें प्रभुपाद की किताब मिलती थी तो हम तो पता नहीं कौन सी दुनिया में क्या कर रहे होते हैं, भौतिक जगत में कितने अंदर हम पूरा गलत कामों में फंसे हुए थे। तो हमें वहाँ से निकलने की और भक्ति में लगने की जो प्रेरणा दी है वो प्रभुपाद ने दी, और जो पूरा प्रचार विश्व में है वो विश्व में प्रचार करने की प्रेरणा, अगर कोई आज विश्व में प्रचार कर भी रहा है, आज हम देखेंगे कि बहुत सारे तरह के आश्रम और बहुत सारे तरह की संस्थाएं विदेशों में भी हैं, वो भी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन ये प्रेरणा किसने दी कि विदेश में आप जाके प्रचार कर सकते हैं? प्रभुपाद ने। और क्योंकि प्रभुपाद के जाने से पहले अगर कोई सन्यासी समुद्र को पार करके जाता है तो उसकी सन्यास ख़त्म, मतलब वो ऑथोराइज नहीं रह जाता, ये ऐसा नियम था, कोई भी सन्यासी बाहर नहीं जा सकता। प्रभुपाद गए और उन्होंने खुद तो वो सन्यासी बने रहे लेकिन और सन्यासी बना दिए, है ना। वो एक सन्यासी प्रभुपाद बाहर गए, वहाँ से कई सन्यासी लेके आए, है ना। और तो ये चीज़ समझना चाहिए कि मुझे भक्ति में लाया कौन, किसकी किताब पढ़ के मैंने ये कन्विक्शन लाया कि हाँ भक्ति करनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, है ना। तो प्रभुपाद की किताब जो है वो हम पढ़ेंगे, मतलब पहले उनको समझना है और फिर तब तो हम ये जानेंगे कि भाई हाँ प्रभुपाद ने हमें लाया है भक्ति में, जो यू टर्न मेरे जीवन में आया वो प्रभुपाद की वजह से आया है, है ना। भक्ति में मैं जुड़ा, भगवान को समझा, कृष्ण को समझने का जो तत्व है कृष्ण का है वो प्रभुपाद की वजह से समझ में आया। फिर तो हमें लगा कि अच्छा ये है वो है, दुनिया भर की चीज़ें हमें बाद में पता चली ना। तो जो इसीलिए कृष्ण इस प्रभुपाद को
जगत गुरु हम कहते हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद। जो जगत गुरु ऐसे बोलने के लिए नहीं बोल रहे, वो हैं जगत गुरु, उन्हें जाके पूरे विश्व में इसका प्रचार किया है। वही जाके पहले भारत देश से बाहर वही निकले हैं, समुद्र पार करके गए हैं और इस चीज को प्रचार किया है, तो वही जगत गुरु हैं। बाद में तो कोई भी गया, तो खाली बोलने के लिए जगत गुरु नहीं बोलते हैं, वो हैं जगत गुरु। आज विश्व में अगर सबसे ज़्यादा भगवत गीता की किताब बिकती है तो प्रभुपाद की ट्रांसलेशन है। विश्व में अगर सबसे ज़्यादा जो है गीता का अनुवाद किया गया है सबसे ज़्यादा लैंग्वेज में, सबसे ज़्यादा भाषाओं में, तो प्रभुपाद की गीता का हुआ है ना। हर जगह मिल, पूरे विश्व में आज आपको शुद्ध वैष्णव भोजन मिल सकता है। ये कौन किसकी वजह से? प्रभुपाद की वजह से ना। आप विश्व के ऐसे ऐसे द्वीप जो यहाँ पे दूर दूर तक कुछ नहीं है, छोटा सा द्वीप है, उसमें भी आपको शुद्ध वैष्णव भोजन मिल रहा है। कृष्ण नाम वहाँ हो रहा है, संकीर्तन वहाँ हो रहा है, राधा कृष्ण के विग्रह की पूजा वहाँ हो रही है। किसकी वजह से? प्रभुपाद की वजह से। विश्व के कोने कोने में राधा कृष्ण के मंदिर प्रभुपाद ने बनाए। विश्व के कोने कोने में जा जा के 14 बार विश्व का भ्रमण किया है। तो ये जो कृष्ण भक्ति का प्रचार है वो प्रभुपाद ने किया है, इसलिए वो जगत गुरु है। तो प्रभुपाद का चार जो उनका क्वालिटी यहाँ बताएंगे कि भक्ति में पूरी तरह से वो शुद्ध भक्त तो थे ही और मैच्योर थे, परिपक्व भक्त थे, और शास्त्र में पूरी तरह से ज्ञान था। शास्त्र के अलावा वो भौतिक प्रैक्टिकल नॉलेज भी था, शास्त्र को कैसे प्रेजेंट करना है ताकि जो सुनने वाला है वो समझे, वैज्ञानिक को कैसे समझाना है, गृहस्थ को कैसे समझाना है, स्टूडेंट को कैसे समझाना है, सब जो है उन्होंने, उनको पता था हर तरह का नॉलेज। उनकी किताब पढ़ेंगे तो उसमें सब लिखा है, यहाँ तक कि हेल्थ को ऐसे अच्छा रखना ये भी लिखा है ना, सब कुछ उन्होंने लिख के दिया है। फिर सिर्फ साधु मतलब पूरा मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी था है ना, इतनी बड़ी संस्था चलाई उस समय, उस आज से 50 साल पहले जब संस्था को बनाया है वहाँ पे ईमेल और व्हाट्सअप फेसबुक नहीं था, वहाँ पे सब पत्रों में पत्राचार होता था, टेलीफोन बहुत ही रेयर था, मोबाइल तो था ही नहीं। तो उस समय उन्होंने इतनी बड़ी संस्था को चलाया, अंतर्राष्ट्रीय संस्था को। उस समय उनके 150 सेंटर उस समय थे, आज तो 800-900 सेंटर हैं विश्व में है ना। और उनका एक व्यक्तित्व जो था चौथा है ना, उनका जो एक व्यक्तित्व था वो बहुत ही आकर्षक था। जो अमेरिका के युवा लड़के लड़कियां जो किसी की नहीं सुन, जिनका नियम था कि 30 साल से ऊपर वाले के नहीं सुनना, वो प्रभुपाद के शिष्य बन रहे हैं, प्रभुपाद की वजह से सारे गलत काम छोड़ रहे हैं, ये उनका करिश्मा था है ना। 70 साल के थे पर वो 16-17 साल 20 साल के लड़के लड़कियों को आकर्षित किए, उनको सिखाया वैदिक, उनको उनकी अपना वैदिक धर्म सिखाया, उनको साड़ी पहनना सिखाया, उनको धोती पहनना सिखाया, तिलक लगाना सिखाया, उनको शुद्ध वैष्णव शाकाहारी वैष्णव भोजन प्रसाद खाना सिखाया है ना। तो इस तरीके से आज जो है हम इस एक मेन चीज़ पे फोकस करेंगे, प्रभुपाद के लिए अपना इतना एफर्ट करेंगे, उनको ऐसे धन्यवाद देते हुए कि हम 16 माला का अच्छे से जप करें, 4 नियम का पालन करें और जितना ज़्यादा हो सके इस बात को हम दूसरों को बताएं, कृष्ण भक्ति का प्रचार करें, कृष्ण के बारे में लोगों को जिससे मिलें, जिससे भी बात करें उससे कृष्ण के बारे में ज़रूर बात करें। तो ये आज का मैसेज है। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।